यह आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, न्यू इंडिया समाचार के 1 से 15 अप्रैल के अंक में कार्यक्रम की पिछली कड़ी में हमने आपसे साझा की थी अपनी आवरण कथा बजट वेबिनार। सप्तऋषि के मंत्र पर समाधान की दिशा में बढ़ते कदमों के तौर पर अमृतकाल के पहले आम बजट को भी जन भागीदारी के साथ जमीन पर उतारने के लिए पीएम मोदी द्वारा संबोधित किए गए 12 वेबिनार की। आम बजट के बाद वेबिनार के माध्यम से सरकार बजट को लागू करने में सामूहिक स्वामित्व और साझा सहयोग का एक मजबूत रास्ता तैयार कर रही है, क्योंकि इस वर्ष के बजट ने देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की पूर्ति के शुभारंभ के रूप में देखा है। बजट को भावी अमृत काल की दृष्टि से देखा और परखा गया है। यह देश के लिए शुभ संकेत है कि देश के नागरिक भी अगले 25 वर्षों को इन्हीं लक्ष्यों से जोड़कर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व की तरह ही अमृत काल के पहले आम बजट को भी जन भागीदारी के साथ जमीन पर साकार करने के लिए 12 वेबिनार को संबोधित किया। यह आम बजट में उल्लेखित सप्तऋषि के मंत्र पर आधारित था। बजट वेबिनार की इस नई परंपरा में संबंधित केंद्रीय मंत्री, सरकारी विभागों के प्रमुख हितधारक, नियामक, शिक्षाविद, व्यापार उद्योग और उद्योग संघों के प्रतिनिधि आदि शामिल हुए। ये वेबिनार हरित विकास, कृषि और सहकारिता, युवा शक्ति का दोहन, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, प्रौद्योगिकी जीवन को आसान बनाना, शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता, मिशन मोड में पर्यटन का विकास, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान, वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाना और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण विषयों पर आयोजित हुए। इन सभी पर आपसे कार्यक्रम के पिछले अंक में विस्तार से चर्चा की गई थी। इस सप्ताह बात करते हैं पत्रिका के इस अंक के अन्य समाचारों की। फ्लैगशिप योजनाओं में फेम इंडिया, पीएम मुद्रा, इनाम इस अंक में शामिल हैं। अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राष्ट्रनायकों की संघर्ष गाथा, प्रधानमंत्री का कर्नाटक दौरा, G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक सहित अन्य कार्यक्रम को इस अंक में शामिल किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के आने वाले 100वें संस्करण यानी जनसंवाद की कड़ी के एक महत्वपूर्ण पड़ाव की जानकारी को भी इस अंक के बैक कवर पर लिया गया है। ऑस्कर पुरस्कार में भारतीय फिल्मों की धूम और पीएम मोदी द्वारा दी गई बधाई भी पत्रिका में शामिल है। श्रोताओं, इस अंक के समाचार सार में 5 जानकारियां सम्मिलित की गई हैं। 4 धाम के श्रद्धालुओं को दवा पहुंचाने के लिए अब होगा ड्रोन का इस्तेमाल। 4 धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से बचाने और आपात चिकित्सीय स्थिति से निपटने के लिए त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा तैयार किया जा रहा है। साथ में ऊंचे इलाकों में आपातकालीन स्थिति में दवा मुहैया कराने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने का भी सरकार ने निर्णय लिया है। दरअसल केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 10,000 फुट तक की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसी जगहों पर आपात स्थिति में सरकार श्रद्धालुओं तक ड्रोन से दवा पहुंचाने का इंतजाम करेगी। एम्स ऋषिकेश, दून मेडिकल कॉलेज और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के साथ एक मजबूत रेफरल सहयोग प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही लाइफ सपोर्ट और आपातकालीन परिवहन के लिए 4 धाम राजमार्ग पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रा अवधि के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को तैनात किया जाएगा। मौसम की स्थिति के बारे में तीर्थयात्रियों को सूचित करने के लिए वेबसाइट और पोर्टल की सुविधा होगी। मार्ग में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्थान, कॉल सेंटर फोन नंबर, यात्रा पूर्व जांच, आपातकालीन सहायता फोन नंबर भी उपलब्ध होगा। नैनो DAP से किसानों का जीवन होगा आसान और बढ़ेगा मुनाफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश उर्वरक के मामले में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। इस दिशा में देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नैनो यूरिया के बाद अब नैनो DAP को भी मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के ट्वीट के जवाब में किसानों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में इस निर्णय को अहम कदम करार दिया। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद किसानों को अब डाई अमोनियम फॉस्फेट की बोरियों को लेकर जाने की जरूरत नहीं होगी। नैनो DAP की एक बोतल DAP की एक बोरी उर्वरक के बराबर प्रभावशाली होगी। जेनरिक दवाओं की जागरूकता के लिए जन औषधि मित्र,
देश भर में खासकर आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों के लिए सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए देश भर में जन औषधि केंद्र की स्थापना की जा रही है। जेनरिक दवा के उपयोग की जागरूकता और जन औषधि केंद्र पर मिलने वाली दवाओं के लाभ को प्रचारित करने के लिए युवाओं को जन औषधि मित्र बनाने का आग्रह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया है। फार्मास्यूटिकल विभाग की ओर से 7 मार्च 2023 को जन औषधि दिवस मनाया गया। 1 मार्च से 7 मार्च तक जागरूकता लाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। सभी को सस्ती कीमत पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की गई थी। वंदे भारत एक्सप्रेस को मिली पहली महिला लोको पायलट। नारी शक्ति जिस तेज गति से देश की रफ्तार को आगे बढ़ाने में लगी है, उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आया है। यह उपलब्धि न सिर्फ महिलाओं बल्कि देश के लिए भी गौरव की बात है। सुरेखा यादव पहली महिला लोको पायलट हैं, जिन्हें स्वदेश निर्मित पहली सेमी हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन वंदे भारत चलाने का गौरव मिला है। सुरेखा ने यह ट्रेन 13 मार्च 2023 को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनस रेलवे स्टेशन और सोलापुर स्टेशन के बीच चलाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट को बधाई दी। ट्वीट के माध्यम से रेल मंत्री ने कहा कि पहली बार वंदे भारत नारी शक्ति द्वारा संचालित की गई। गर्मी के मौसम में सभी विभागों के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल होगा तैयार। गर्मी और उसके दुष्प्रभावों से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। तैयारी के मद्देनजर गर्मी में किसी भी तरह की अनहोनी से बचने और उससे निपटने के लिए एक अहम बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों, स्वास्थ्य कर्मियों, नगरपालिका, पंचायत प्राधिकरण, अग्निशमन सहित दूसरे हितधारकों के लिए अलग अलग जागरूकता सामग्री तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अत्यधिक गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए बच्चों को संवेदनशील बनाने के क्रम में स्कूलों में मल्टीमीडिया व्याख्यान सत्र शामिल करने के लिए कहा गया है। पीएम मोदी ने भारतीय मौसम विभाग को निर्देश दिया है कि दैनिक मौसम पूर्वानुमान इस तरीके से जारी करें जिसे आसानी से समझा और बताया जा सके। देश भर के अस्पतालों का फायर ऑडिट और अग्निशामकों द्वारा मॉक फायर ड्रिल करने की सलाह दी गई है। मवेशियों के लिए चारा और जलाशयों में पानी की उपलब्धता पर नजर रखने और भारतीय खाद्य निगम को प्रतिकूल मौसम की स्थिति में अनाज का अधिकतम भंडारण सुनिश्चित करने का निर्देश भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिया गया है। देश भर में विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का प्रमाण है इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास की गति का तीव्र होना। इंफ्रास्ट्रक्चर अपने साथ सिर्फ सुविधा ही नहीं लाता बल्कि रोजगार, निवेश और कमाई के साधन भी लाता है। केंद्र सरकार ने सिर्फ कर्नाटक में ही बीते वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजी निवेश राजमार्ग की परियोजनाओं में किया है। इस प्रयास में आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी ने 12 मार्च को कर्नाटक के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सहित लगभग 16,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग रैंकिंग का बेहतर होना भी जरूरी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता की झलक हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरे में देखने को मिली। यहां उन्होंने आईआईटी धारवाड, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने मैसूर खुशाल नगर फोरलेन का भी शिलान्यास किया। ये सभी प्रोजेक्ट्स इस क्षेत्र में सबका विकास के प्रयास को गति देंगे और समृद्धि के रास्ते भी खोलेंगे। आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हो रहा है। भारतमाला और सागरमाला योजना से कर्नाटक और देश का परिदृश्य बदल रहा है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पहले राजनीतिक लाभ हानि देखकर ही रेल रोड प्रोजेक्ट्स की घोषणा होती थी। हम पूरे देश के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लेकर आए हैं, ताकि जहां जहां भी देश में जरूरत है वहां तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। जब दुनिया कोरोना की मुश्किल से जूझ रही थी, तब भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को कई गुना बढ़ाया। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे परियोजना में NH 275 के बेंगलुरु निदाघट्टा मैसूरू खंड को 6 लेन का बनाना शामिल है। 118 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण से जुड़ी इस परियोजना को लगभग
8,480 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित किया गया है। इससे बेंगलुरु और मैसूरु के बीच यात्रा अवधि 3 घंटे से घटकर करीब 1 घंटे 15 मिनट रह जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ आंखों को अच्छा लगने के लिए नहीं होता, इस जीवन को आसान बनाने वाला होता है, ये सपनों को साकार करने का रास्ता बनाता है। आज हमारे यहां अच्छी सड़कें नहीं थी, अच्छे अस्पताल नहीं थे, हर वर्ग हर आयु के लोगों को कितनी परेशानी होती थी, लेकिन आज जब नए भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो सभी को इसका लाभ मिल रहा है। अच्छी सड़कों से स्कूल कॉलेज जाने वाले युवाओं को आसान होती है, आधुनिक हाईवे से किसानों को, मजदूरों को, व्यापार करने बिजनेस वालों को, दफ्तर आने वाले लोगों को, मिडिल क्लास को, हर किसी को लाभ होता है। इसलिए हर कोई अच्छा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है और मुझे खुशी है कि बीते 9 वर्षों से देश लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम कर रहा है। पिछले 9 वर्ष में देश के गांवों में पीएम सड़क योजना के माध्यम से सड़कों का नेटवर्क 2 गुना से अधिक हो चुका है। नेशनल हाईवे नेटवर्क में 55% से अधिक वृद्धि हो चुकी है। सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि देश में आज एयरपोर्ट और रेलवे का भी अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। पिछले 9 वर्ष में देश में एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी से अधिक हो चुकी है। धारवाड़ में आईआईटी का नया कैंपस राष्ट्र को समर्पित किया गया। 850 करोड़ रुपए से अधिक लागत से विकसित किए गए संस्थान की आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही फरवरी 2019 में रखी थी। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का लोकार्पण भी किया गया। इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने मान्यता दी है। 1,507 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। वहीं 520 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस क्षेत्र में जल आपूर्ति को और बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने धारवाड़ बहुग्राम जल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी, जिसे 1040 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। श्रोताओं, इन सभी समाचारों को आप न्यू इंडिया समाचार पत्रिका में विस्तार से पढ़कर जानकारी ले सकते हैं। पत्रिका के अन्य आकर्षणों के कल के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB India है, जो वेरीफाइड है। इसके अलावा आप हमें response@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।